ये देखिए, ये है साबूदाना की मोती के जैसी चमकती हुई खिचड़ी, जो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है और मोतियों के जैसी चमक रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पता हो कि साबूदाना किस तरह से भिगोएं कि उसका एक एक दाना अलग अलग रहे, और तभी आपकी साबूदाना की खिचड़ी खिली खिली बनती है और इस तरह से मोती के जैसे चमकती हुई बनती है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बस आपको साबूदाना सही से भिगोने का तरीका आना चाहिए, जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नवरात्रि स्पेशल काफी सारी रेसिपीज मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दोनों ही केस में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल वीडियोस पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम साबूदाना को किस तरह से भिगोना है ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाना लिया है। आप जब भी साबूदाना की कोई रेसिपी बनाते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो पैकिंग वाला साबूदाना आता है वही लीजिए, क्योंकि पैकिंग वाला थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, थोड़े छोटे ही साइज़ का है। तो इस तरह से मैंने एक बड़े बोल में साबूदाना को ले लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 बार पानी से वॉश करूँगी। जब आप इसको पानी से धोते हैं तो कभी भी इस तरह से हाथ से ना रगड़ें, अदरवाइज ये टूट जाएगा। आपको सिंपली इसको इसी तरह से पानी से धो लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी बिल्कुल वाइट हो गया है, क्योंकि साबूदाना में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है और स्टार्च की वजह से ही ये साबूदाना चिपचिपा बनता है। इसीलिए स्टार्च निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप साबूदाना को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर धो लीजिए। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल देती हूँ, जितना भी इसका स्टार्च का पानी है। उसके बाद अगेन मैं इसको धो लूँगी। आपको लगभग 2 से 3 बार धोना है जब तक कि पानी साफ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको टोटल 2 से 3 बार धो लिया है और अब पानी इसमें साफ आने लगा था। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हैं, अगर आप साबूदाना को प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, क्योंकि अभी साबूदाना कच्चा है। तो जिस बोल से नाप कर हमने साबूदाना लिया था उसी बोल से भरकर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मीन्स साबूदाना के जस्ट आधा इंच ऊपर तक ही पानी आना चाहिए। और अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद जस्ट लुक एट दिस, ये अच्छे से फूल गया है। लेकिन अभी हम इसको अगेन लिड लगाकर कुछ एक बार इस तरह से हिला लेंगे ताकि साबूदाना ऊपर से नीचे तक पूरा इकट्ठा ना हो। अब मैंने एक फोक की सहायता से इसको चलाया है। आप देख सकते हैं साबूदाना का एक एक दाना अलग अलग है। अब अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से प्रेस हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, दाना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको एक अलग बर्तन में स्ट्रेनर पर निकाल देती हूँ, यानी कि छलनी पर, ताकि अगर इसमें 1-2 बूंद पानी रह भी गया हो तो वो भी निकल जाए। और 10 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दूंगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल 1-2 बूंद ही आया है। तो बस लीजिए, आपका साबूदाना बनकर है बिल्कुल तैयार। तो इस तरह से आप साबूदाना को पहले ही बनाकर तैयार कर लीजिए। अभी तो हमने जैसे इसको 4 घंटे का रेस्ट दिया था और हमारा साबूदाना तैयार हो गया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लेते हैं तो आप इसको 1 से 2 दिन तक फ्रीज में एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और जब कभी आपको कोई रेसिपी साबूदाने की बनानी है तो आपके पास एयर टाइट कंटेनर में साबूदाना बिल्कुल तैयार है। तो मैंने 1 दिन पहले साबूदाना कुछ इस तरह से तैयार करके रख लिया था। अब मैं बनाना सिखाती हूँ साबूदाना की खिचड़ी। इसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। जब भी हम कोई व्रत की रेसिपी बनाते हैं तो घी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। मेरे पास उबले हुए आलू थे जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब हम इन आलू को घी में फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वैसे अगर आप चाहें तो इस तरह से कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप
किसी भी रेसिपी में आलू फ्राई करके ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए जब कभी भी आप आलू डालें तो उसको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसको एक बार और टर्न कर लेती हूँ और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेती हूँ। जब आलू अच्छे से कुक हो जाएं तब हम इसको निकाल कर अलग प्लेट में रख लेते हैं। और अब इसी सेम घी में हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं हमेशा फ्राई करके ही ऐड करती हूँ। तो आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर काजू। जैसे ही काजू हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश। तो यहाँ पर काजू और किशमिश भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं, फ्राई होने से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। और अब हम बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने उसी सेम घी में एक चम्मच ऐड किया है ज़ीरा। आप अगर करी पत्ता खाते हैं तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर साबूदाना, ये आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग है। एक दिन पहले बनाकर ही मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था। अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे साबूदाना। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि साबूदाने का एक एक दाना अलग अलग है, तो जो तरीका मैंने आपको साबूदाना भिगोने का बताया है उसको फॉलो करेंगे तो साबूदाना हमेशा ऐसे ही खिला खिला बनेगा। अब आप यहाँ पर ऐड कीजिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। कुछ चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। दैट्स इट, केवल इतनी ही चीज़ें ऐड करनी होती हैं और आपकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। जो हमने आलू फ्राई करके रखे हुए थे उनको भी ऐड कर दीजिए और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम लास्ट में ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। साबूदाना का एक भी दाना आपस में चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही लाजवाब है। Isn't it? ऐसा है ना, तो बस एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए साबूदाना खिचड़ी को। अब मैं इसको ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू और किशमिश। और मेरे पास मूंगफली पहले से ही फ्राई की हुई रखी हुई थी तो मैंने उनको भी ऐड कर दिया है। अदरवाइज जिस तरह से हमने काजू और किशमिश को रोस्ट किया था उसी तरह से आप मूंगफली को भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद साबूदाना खिचड़ी और भी ज़्यादा कलरफुल लग रही है और टेस्टी लग रही है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इसमें लास्ट में गार्निश कीजिए हरा धनिया और लीजिए आपकी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी है बिल्कुल तैयार। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग व्रत में खाते हैं तो। हमारे यहाँ खा लिया जाता है इसलिए मैंने नींबू भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसको ऐड करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं और सर्व करते हैं गर्मा गर्म साबूदाना खिचड़ी। कैसी लगी आपको आज की साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टेस्टी हेल्दी इजी रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड नमस्ते इंडिया।